नमस्कार। आशा है सब आप उपस्थित हो गए होंगे। कल ऑस्ट्रियो मलेशिया पर कुछ विचार प्रकट किए थे, आज मस्कुलर डिजनरेशन और माइग्रेन पर चर्चा करेंगे। चिकित्सा के बारे में डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव जी उपस्थित हो गई हैं। सबसे पहले विकास चौधरी जी आ गए हैं, योगेश महाजन जी, पंकज शुक्ला जी और आनंद आयुर्वेद वाले और अदिति त्रिपाठी, उषा तवानी, सुखविंदर सिंह, आर सिंह चहल, अनुराग अहिरवार, प्रकाश सिंह, शुभम जैन, संजय, अर्चना वर्मा आदि सब उपस्थित हो गए हैं। निर्मला स्वाल भी नेपाल से उपस्थित हो गई हैं समय पर। परेश मन्या भी उपस्थित हो गए हैं। आइए पहले प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर भरत ठोक ने पूछा है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में वस्ति कितने दिन तक देना चाहिए, विरेचन कर सकते हैं क्या? तो रीनल फेल्योर में निश्चित रूप से सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक आने लगती है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले विरेचन कराना चाहिए आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से। सम्यक स्नेह लक्षण होने के बाद 3 दिन तक स्वेदन और फिर विरेचन कराना चाहिए। विरेचन में त्रिव्रत, अमलतास गुदा, छोटी हरड़ और कुटकी 20-20 ग्राम या 30-30 ग्राम लेकर के कोष्ठ के आधार पर काढ़ा बना के विरेचन करा दीजिए। विरेचन के 9वें दिन से आपको वस्ती देना है। वस्ती के लिए मैंने आपको बताया था, वरुणादि क्वाथ 100 ग्राम ले लीजिए, तृणपंचमूल क्वाथ 100 ग्राम, 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष रहे तक पका लीजिए और ये 300 ml जो बचा है उसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम और 5 ग्राम सेंधो डाल करके विधिवत वस्त्र बनाएं और कम से कम तो 16 वस्तियों का कोर्स, जो काल वस्ती का प्रयोग है वो जरूर करें। और अगर पेशेंट तैयार है, अब पेशेंट को लाभ हो रहा है, तो लगातार आप कर्म वस्ती 30 वस्तियों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अनुवासन वस्ती के रूप में दशमूल तैल का प्रयोग किया जा सकता है। तो विरेचन करने के बाद वस्ती देवें, वस्ती कम से कम 16 दिन, और अगर पेशेंट तैयार है, आपने काउंसलिंग ढंग से करी है, तो 30 दिन भी वस्ती दे सकते हैं। अन्यथा 16 दिन वस्ती देने के बाद 7 दिन गैप कर दीजिए और फिर से 16 वस्ती पेशेंट को दें। इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर पंकज गोयल ने पूछा है, लीवर में सूजन है, आगे लीवर सिरोसिस ना हो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो सबसे पहले स्मोकिंग, अल्कोहल अगर दी लेता हो वो बिल्कुल बंद कर दें, तंबाकू आदि का सेवन ये बिल्कुल बंद कर दें, हल्का खाना खिलाएं, कार्बोहाइड्रेट फैट बिल्कुल बंद कर दें, लघु आहार देवें और आवश्यक प्राणायाम योगा जरूर पेशेंट में कराएं। इसके साथ ही पेशेंट में सबसे अच्छा होगा कि विरेचन करा दीजिए। विरेचन कराने से बड़े जल्दी लाभ प्राप्त होता है। विरेचन कराने के पश्चात फिर यकृत प्रहारी लौह 250 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा भूमि अम्ल की क्वाथ 20 ml पानी मिला दीजिए, भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन आप कराएं। रोहित कारिष्ट भी इसमें बहुत ही उपयोगी दवा है। रोहित कारिष्ट 2 चम्मच ले लें, 2 चम्मच भूमि अम्ल की,
चार चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम जमे। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी एम्लिक्योर डीएस दो दो गोली दिन में दो बार पेशेंट को दें तो इससे सूजन भी जाती रहेगी और आगे सिरोसिस ऑफ लिवर होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। डॉक्टर आर सिंह चहल मैक्यूलर डिजनरेशन इन दी आईज पेशेंट है, उनका फीमेल है, 41 की पेशेंट 41 इयर्स उम्र है। हालांकि उम्र कम है, ज़्यादातर डिजनरेशन जो मैक्यूलर में होता है वो एबव 60 साल की उम्र होने के बाद ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। और जैसा मैंने बताया ये एज रिलेटेड डिसीज़ है। रेटिना के मध्य भाग में सेंट्रल भाग में जो हिस्सा होता है उसको मैक्यूलर बोलते हैं। और जब डिजनरेशन हो जाता है ऐसी अवस्था में विजन लॉस रोगी को होने लगता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन इसको हम AMD भी कहते हैं। ए फॉर एज, एज रिलेटेड मैक्यूलर मीन्स एम, एम मीन्स मैक्यूलर, डी मीन्स डिसीज। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिसीज इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज कॉल्ड द मैक्यूलर, विच इज कॉल्ड द मैक्यूलर एरिया। मैक्यूला के डिजनरेशन से सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है। पेरिफेरल विजन ठीक रहता है लेकिन सेंट्रल विजन पेशेंट का जाता रहता है। ये दो प्रकार का होता है, ड्राई मैक्यूलर डिजनरेशन और वेट मैक्यूलर डिजनरेशन। ड्राई ही लगातार अधिकतर होता है 80%, क्योंकि डिजनरेशन जब होता है तो ड्राई वह स्थान हो जाता है। 80% ड्राई मैक्यूलर डिजनरेशन ही पाया जाता है, वेट बहुत कम ओनली 10-20%। लेकिन यह असाध्य होता है, यदि हो गया तो यह असाध्य की श्रेणी में आता है। तो चूंकि ये डिजनरेशन का मामला है तो जैसे ऑप्टिक डिजनरेशन में हम जो चिकित्सा का अनुपालन करते हैं वही चिकित्सा इसमें भी हमको देनी पड़ेगी। सबसे पहले पेशेंट का विरेचन करा दें, त्रिफला घृत से अभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात विरेचन करा दें, संसर्जन क्रम होने के पश्चात फिर इसमें जो अक्षी से संबंधित क्रियाकल्प हैं उनका प्रयोग करें। ऐसे 7 क्रियाकल्प हैं आँखों के लिए, लेस में धारा श्वेत कराएं, आँख को बंद करके और धारा श्वेत अक्षी धारा जिसको हम कहते हैं वो कराएं। और अक्षी तर्पण, अक्षी तर्पण सब जानते हैं आप कैसे करना है, उड़द दाल का घेरा आँखों के चारों तरफ बनाना है दोनों आँखों में और उसमें त्रिफला घृत या शतावरी घृत इसका प्रयोग तर्पण के लिए करना है। धारण काल 5 से 6 मिनट। जब आप घृत डालते हैं सुखोष्ण होना चाहिए और आंखों को ब्लिंकिंग करना चाहिए। फिर इसको जब 5 मिनट हो जाए तो धीरे से घृत को निकाल लें और फिर थोड़ा से हाथों के द्वारा थोड़ा सा सेक आँख की करें। ये रोजाना प्रक्रिया आपको करना है लगभग 21 दिन तक। और जो घृत आप प्रयोग कर रहे हैं वो रोज बदलना है क्योंकि आप ब्लिंकिंग कराते हैं इन्फेक्शन का डर रहता है। और इस घृत का प्रयोग वाह्य अभ्यंग ग्रीवा के ऊपर अच्छी तरह अभ्यंग करें, इससे भी पेशेंट को बड़ा लाभ होगा। और इसमें नस्य कर्म भी आवश्यक है, नस्य कर्म के पूर्व कर्म के रूप में इसी घृत का अभ्यंग करके मृदु स्वेदन करें नाड़ी स्वेद से, या टावेल को गर्म पानी में भिंगो करके ग्रीवा के ऊपर जितने भी अंग हैं उसमें हल्का हल्का स्वेदन करें। और इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दोनों नासा में डालें।
या माल कांगनी तेल आता है, नहीं तो अणु तेल, चार चार बूंद दिन में दो बार पेशेंट को डालें। औषधियों में शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, आधा कप दूध गर्म लेकर उसमें घोल लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। मुलहठी और शतावरी, मुलहठी 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, दोनों को मिला करके एक एक चम्मच दिन में दो या तीन बार पेशेंट को देवें। इसके अलावा सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है, दिन में दो बार ब्राह्मी अवलेह के साथ या चवन प्रास के साथ पेशेंट का सेवन कराएं तो निश्चित रूप से। लेकिन ये ट्रीटमेंट 3 महीने का कोर्स है, 3 महीना देने के बाद, क्योंकि मैंने ऑप्टिक डिजनरेशन के पेशेंट कई ठीक किए हैं, लेकिन लगातार 6 महीने से 1 साल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं, स्टेरॉइड वगैरह सब छूट जाते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार सिंघल जी ने पूछा है कि मिक्सर में बस्ती बना सकते हैं क्या? तो अगर आपके पास पेशेंट ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन विधि वही रहेगी। पहले आप सेंधो और शहद डाल करके मिक्सर चलाएं, उसके बाद फिर जैसा विधि है, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इतिक्रमात, ऐसे क्रम से बनाएं, इकट्ठा डाल के और फिर मिक्सर से बनाएंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। पर अगर आपके पास पेशेंट संख्या कम है, एक या दो ही आते हैं, तो हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिक्सर में फेन आने लगता है और हो सकता है कुछ गुणों में परिवर्तन आए, इट मे बी पॉसिबल। पर जैसा मैंने कहा कि पेशेंट आपके पास अधिक मात्रा में है तो मिक्सर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम का ध्यान आपको रखना है। गोविंद मीना जी ने, डॉक्टर गोविंद मीना, एडिनो मायोसाइटिस क्या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। पहले समझ लें कि व्याधि क्या है। इसको एडिनोमायोसिस भी कहा जाता है। जब यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर की ओर पैदा हो जाते हैं तब यह कंडीशन की उत्पत्ति होती है, और मेनोपॉजल आने पर यह अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसमें हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है लगातार और हैवी मेंसेस होते हैं, सीवियर क्रैम्प और शार्प पेन होता है और पेनफुल इंटरकोर्स, ये लक्षण रोगी में एडिनोमायोसाइटिस में पैदा होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट का विरेचन करा दें और विरेचन करने के पश्चात फिर उत्तर बस्ती देवें। उत्तर बस्ती में ऐसी अवस्था में दशमूल तेल ज़्यादा लाभ करेगा। दशमूल तेल 20 ml, 20 ml से 40 ml उत्तर बस्ती में योनि मार्ग से प्रयोग करें। ऋतुकाल आ जाता है चौथे दिन से प्रयोग करें 16वें दिन तक, तीन दिन लगातार बस्ती दें, फिर 3 दिन गैप कर दें, फिर 3 दिन लगातार, फिर 3 दिन गैप कर दें, ऐसे 3 कोर्स देना चाहिए। प्रत्येक 2 अनुवासन बस्ती देने के पश्चात निरूह देना चाहिए, और निरूह के लिए यहाँ पर कुटज और गंभारी फल का काढ़ा बना लें, विधिवत बस्ती तैयार करें, जैसे निरूह बस्ती तैयार की जाती है, कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका प्रयोग करें। औषधियों में पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार,
प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्त 250 मिलीग्राम और मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ये सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा कुमारी आसो और 10 मूल अरिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। इस तरह से लगातार आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। गोविंद मीणा का एक और प्रश्न है। 35 साल की उम्र है पेशेंट की, उनको डर्मेटोमायोसाइटिस नामक रोग हो गया है। 1 महीने से तकलीफ है उनको, लोअर लिम्ब अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर रहे हैं सामान्य रूप से, सेंसेशन नॉर्मल है, मोटर फंक्शन ही डिफेक्टिव है और जो टांगे हैं वो बड़ी कमजोर हो गई हैं। CPK 2637 है, यानी बढ़ा हुआ है। पहले समझ लें कि डर्मेटोमायोसाइटिस होता क्या है। यह एक प्रकार का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ स्किन और मसल्स विच इज एसोसिएटेड विद रेज्ड रैशेस इन स्किन, चकत्ते हो जाते हैं और रैशेस जो होते हैं वो स्केली होते हैं, स्केली रैशेस। इट कैन बी आल्सो क्रिएटेड कैंसर, आल्सो इट कैन डेवलप इनटू कैंसर और एसोसिएटेड विद कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। सामान्यतः CPK एक प्रकार का ये एंजाइम है जिसे क्रिएटिन काइनेज कहते हैं, ये नॉर्मल वैल्यूज की है 22-198, जबकि इसमें 2600 से ऊपर है, तो निश्चित है कैंसर के काफ़ी नज़दीक है। उस दृष्टि से इसकी चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। CPK यदि बढ़ा हुआ होता है तो मसल्स डैमेज ज़्यादा होती है, मसल डैमेज ज़्यादा शो करता है। यह एक प्रकार का एंजाइम है जैसे मैंने बताया, जिसको क्रिएटिन काइनेज कहा जाता है। ऐसी अवस्था में पेशेंट यदि आपके पास तैयार है ट्रीटमेंट करने के लिए तो इसमें वमन और विरेचन कराएं, लघु वमन लघु विरेचन। वमन विरेचन करने के बाद फिर औषधियों का सेवन करें। इसके लिए सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्त 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। व्याधिक क्षमता बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण बराबर मात्रा में लेके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी बटी, पंचनिम बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। लेकिन पेशेंट को जब वो पूर्णतः आप पर आश्रित है कि नहीं आपको ही ट्रीटमेंट करना है तब करें, क्योंकि ये असाध्य श्रेणी की व्याधि है। लगातार यदि ट्रीटमेंट वो अच्छी तरह कराता है तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। एक्सटर्नली चाल मोगरा तेल लगाएं, मालिश नहीं करना है लगाना है, या कभी ना मिले तो गोघृत ही आप पूरे शरीर में लगा सकते हैं, इससे निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। हमारे इस कार्यक्रम में निरंतर जो प्रतिभागी हैं वो हैं डॉक्टर नवीन जोशी, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर भरत ठोक, डॉक्टर संध्या पांडे, सत्येंद्र कुमार तिवारी जी। बहुत दिन बाद आप उपस्थित हुए हैं। सुनील रातोरी जी, सविता सज्जन जी, KN गंगवाल जी, भानु प्रताप यादव जी, अवधेश कुमार जी, संजीव कुमार जी, निशांत गुप्ता जी, आनंद राव जी,
अग्रवाल अंजना, मनोरंजन साहू, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर वंदना पाठक जी, गौरव पारधी जी, सलोनी गुप्ता जी, अरुण कुमार शर्मा जी, सविता पटेल जी, प्रशांत ससाने, प्रमोद कटारिया जी, नीलम शुक्ला जी, आनंद आयुर्वेद, शिल्पा पालस्कर जी, परेश मन्या जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, सोनल पटेल जी, राजीव शर्मा जी, अदिति त्रिपाठी जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर विकास महाजन, मनदीप शुक्ला जी और पंकज शुक्ला, ये निरंतर सभी चिकित्सक व्याख्यान को सुनते हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञान के अर्जन करने के लिए। अब आइए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी असाध्य व्याधि है, जेनेटिक व्याधि है, लेकिन पेशेंट को हम यदि शुरू में आता है तो उसको आराम आप दे सकते हैं। इसकी पहचान यह है कि जब पेशेंट उठता है तो पहले हाथों का सहारा लेता है जमीन से, फिर दूसरे हाथ का सहारा लेता है और धीरे 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 वो उठ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जब सीढ़ियाँ आदि चढ़ता है रोगी बच्चा, तो यू कैन डायग्नोस कि उसको मायोपैथी पेशेंट को हो गई है। और जैसा मैंने कहा, ये जेनेटिक है और ज़्यादातर बच्चों को ही होता है, और अंत में धीरे 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 डिटोरिएशन होकर के कभी कभी उसकी मृत्यु भी पेशेंट की हो जाती है। जैसा मैंने बताया, ये इनहेरिटेड जेनेटिक व्याधि है, कंडीशन है, बच्चों में अधिक होता है। इसमें मांसपेशियां बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, डिजनरेशन में हो जाता है, इस कारण डिसेबिलिटी होती है और इसका प्रभाव हार्ट की मसल्स पर भी पड़ता है। श्वास लेने में कठिनाई, इसके अलावा अंत में अगर ट्रीटमेंट सही ढंग से न हुआ तो ये मृत्युदायक भी है। आइए ज़्यादा थ्योरेटिकल पर न जाते हुए चिकित्सा में हम चलते हैं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका होगा वाह्य अभ्यंग मालिश। वाह्य अभ्यंग जो है बला तैल से, अश्वगंधा बला तैल इससे या महामास तैल से अभ्यंग नित्य प्रतिदिन दो दिन करना चाहिए, दो बार, दिन भर में दो बार। मालिश करने के बाद उद्ध्वर्तन करें, ये वाह्य ट्रीटमेंट में अभी बता रहा हूँ। उद्ध्वर्तन के लिए आमलकी और अश्वगंधा, आमलकी और अश्वगंधा का चूर्ण बना लें और इसमें थोड़ा गोघृत मिला करके उद्ध्वर्तन करें, यह रोगी के लिए बड़ा लाभकारी है। उद्ध्वर्तन दिन में एक ही बार करें, अभ्यंग दिन में दो बार करें। फिर यह कोर्स देने के बाद, 20-21 दिन का यह कोर्स देने के बाद अभ्यंग और उद्ध्वर्तन, उसके बाद सर्वांग धारा जिसको परिच्छिल धारा कहते हैं यह करें, यह भी अश्वगंधा बला तैल से या महामास तैल से आप सर्वांग धारा पेशेंट में करें, लगातार 20-21 दिन तक करें। ऐसे बॉम्बे में मेरे को कम से कम 6 पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें 2 पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो गए क्योंकि वो बड़ी अर्ली डायग्नोस में आ गए। जितना जीर्ण होता जाएगा उतना ही ट्रीटमेंट में परेशानी जाती है। तो आपने 15 दिन का एक कोर्स उद्ध्वर्तन और मालिश किया, 15 दिन आपने सर्वांग धारा किया और फिर आगे बाद 15 दिन षष्टिकशाली श्वेद या तिल मास पिंड श्वेद, षष्टिकशाली श्वेद और तिल मास पिंड श्वेद, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार और मेरी किताब में इसका विशेष रूप से वर्णन है। तो ये दोनों में से कोई एक 15 दिन करें, षष्टिकशाली श्वेद या तिल मास पिंड श्वेद। षष्टिकशाली श्वेद में सिर्फ चावल का प्रयोग होता है, साली चावल का, और तिल मास पिंड में उड़द दाल, तिल, चोकर और तिल, उड़द, चोकर और चावल, और काढ़े के रूप में अश्वगंधा, शतावरी और बलामूल इनका काढ़ा, और उतना ही दूध। तो ये 15 दिन ये करें, साथ साथ में मात्रावस्थी भी देते जाएं, मात्रावस्थी बला तेल की देवें,
भला तेल या अश्वगंधा भला तेल आयु के अनुसार से इसकी मात्रा निश्चित कर लें। सामान्यतः 10-20 ml मात्रा वस्ती बच्चों में दी जाती है। मांसरस का सेवन कराएं। मांसरस वस्तिक रूप में भी देने से बहुत जल्दी, क्योंकि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, मांसरस देने से जल्दी मांस वृद्धि होती है, तो मांसरस की वस्ती बड़ी लाभप्रद है। उसके अलावा एक मुस्ताद यापन वस्ती है, मैंने डिटेल आपको बताया हुआ है, किताब में उल्लेखित है, और शास्त्र में देखें तो सुसु चिकित्सा स्थान 39 106 श्लोक नंबर वहाँ पर मुस्तादी अपन देख सकते हैं आप कैसे बनाई जाती है। यह भी बहुत उपयोगी है, ख़ास तौर से मायोपैथीज में, मस्कुलर डिसऑर्डर्स में और पार्किंसंस में भी बहुत ही, जहाँ ट्रेमर्स होते हैं वहाँ भी बड़ी उपयोगी वस्ती है ये, जिसको बोलते हैं मुस्तादी अपन वस्ती। सुसुप्त चिकित्सा स्थान 39 श्लोक नंबर 106। इसमें सिद्ध वस्ती बड़ी उपयोगी होती है। इसके बाद सिद्ध वस्ती दें, उसमें यव, कोल, कुलत्थ, पिपली, मुलेठी, इनका काढ़ा बनाते हैं 300 ml, उसमें शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम और अश्वगंधा और केवाँच बीज, ये 20-20 ग्राम मिला के काढ़ा बनाते हैं। यव, कोल, कुलत्था नाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयष्टावा सिद्ध वस्ती इति स्मृता। इस तरीके से ये वस्ती भी सुसुद्ध की है मूल रूप से, लेकिन इसमें हमने दो चीज मिलाई, अश्वगंधा और केवाँच बीज चूर्ण 20-20 ग्राम। बाकी जो क्लासिक्स में वर्णन है सुसुद्ध में आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा एक और वस्ती है जो बहुत उपयोगी है, स्वानुभूत है, बृहत पंचमूल क्वाथ 100 ग्राम ले लें, पिपली 20 ग्राम, मुलेठी 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 300 ml, इसमें मूर्छित तिल तेल 50 ml और पंचतीर्थ घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम, ये विधिवत वस्ती बनाकर लगातार 16 वस्ती का सेवन कराएं। मात्रा वस्ती के रूप में भला तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं, बलादी तेल, अश्वगंधा बला तेल या महामास तेल का प्रयोग मात्रा वस्ती के रूप में 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद आप दे सकते हैं। ये बड़ी दोनों वस्तियाँ जो मैंने बताई बड़ी उपयोगी हैं, इनका जरूर सेवन कराएं। इसके अलावा इंद्रिय वर्धक तेल से नस्यकर्म या अणु तेल 4-4 बूंद दिन में 2 बार निरंतर देते रहें। कुमार कल्याण रस 60 mg, प्रवाल पंचामृत 125, योगेंद्र रस 60 mg। यदि बच्चा 2 साल, 3 साल, 5 साल का है तो कुमार कल्याण रस 30 mg, प्रवाल पंचामृत 160 mg और योगेंद्र रस 30 mg। तो ऐसा मात्रा का संयोजन करके ब्राह्मी रसायन के साथ एक पुड़िया सुबह शाम देवें। ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है, आप करके देखिए। दूसरा एक योग है बाल रोगांतक रस 125 mg, वात कुलांतक 60 mg, गिलोय सत्व 250 mg, ये दिन में 2 या 3 मात्रा च्यवनप्राश के साथ आयु के अनुसार से इसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं। एक बाल चतुर्भद्र चूर्ण आता है, ये भी बड़ा उपयोगी है, इसको शहद के साथ 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार दीजिए। अरविंद दासो बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी है, ये 1/2 चम्मच सुबह 1/2 चम्मच शाम को, बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल का है तो 30 बूंद देना चाहिए 30 बूंद, 5 साल के ऊपर है तो 1/2 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें भीमसेनी कपूर 250 mg शहद के साथ सेवन कराएं दिन में 2 बार और शुद्ध शिलाजीत 250 mg दुग्ध में घोल करके पेशेंट को पिलाएं। इसके अलावा अश्वगंधा और बलामूल, इससे सिद्ध कर लें दुग्ध को
अश्वगंधा और बला मुंह से सिद्ध कर लें दुग्ध को और दिन भर दुग्ध का सेवन कराएं इसी का। इससे भी रोगी में शक्ति आती है और उसकी मांसपेशियां बड़ी मजबूत होती हैं। तो ये जो मैंने बताया, मैंने अनुभूत योग बताए हैं, इनका प्रयोग आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा से माइग्रेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्धाव भेदक, यह भी बड़ी कष्ट साध्य व्याधि है और इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली एनाल्जेसिक देते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में पक्का ट्रीटमेंट है। आप गारंटी के साथ पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बस एक बार पूरा जांच जरूर कराएं। यदि ट्यूमर वगैरह ब्रेन में हो और उसके कारण सर्द हो रहा हो तो फिर वो इससे ठीक नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर तो अनडायग्नोस्ड, जिसको इडियोपैथिक बोल सकते हैं, ऐसे ही माइग्रेन आपको मिलेंगे। केवल प्रकोपित वात या कफ के साथ प्रकोपित वात, ये सिर के आधे भाग में जाकर के जकड़ाहट पैदा करती है, मन्या में, भ्रकुटि में, शंख प्रदेश में, कर्ण में, नेत्र में, ललाट में, और ऐसी वेदना होती है कि जैसे कोई शस्त्र से कोई काट रहा हो, इस प्रकार की वेदना। और जब ज़्यादा वेदना रोगी को होती है तो कई बार सिर को दीवार में पटकने लगता है, इतना तीव्र वेदना होती है। कभी कभी नेत्र एवं कर्ण नष्ट हो सकते हैं, उनके कार्य नष्ट हो सकते हैं। चरकने वातज एवं वात कफज, दो प्रकार का अर्धाव भेदक बताया है, जबकि सुश्रुत ने त्रिदोषज भी बताया है। जो सिराशूल है या माइग्रेन है या अर्धाव भेदक, वो त्रिदोषज होता है। विदेह ने ये कहा है कि आवेग जन्य व्याधि है, इसके लगातार सरदर्द नहीं होता, कई बार तीसरे दिन, पांचवें दिन या पंद्रहवें दिन या तीसवें दिन, इस प्रकार के वेग आते। तो प्रत्यक्ष भी हम देखते हैं कि लगातार सर हासिल न होकर के कभी 5 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में उसके आवेग आते हैं। सिर के आधे भाग में अत्यधिक रिकरेंट वेदना होती है, साथ साथ में एक मुख्य लक्षण होता है हल्लास या बमन होना, उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना। ये दो लक्षण रोगी में विशेष रूप से माइग्रेन में प्राप्त होते हैं। चिकित्सा सिद्धांत में इसमें घृत का पान कराना चाहिए, क्योंकि घृत जो है वो वात और कफ दोनों को ही दूर करता है। घृतपान संशमनार्थ भोजन के काल में 10-20 ml आप पिला सकते हैं। घृतपान को घृत दे सकते हैं, या सबसे बढ़िया पुराना घृत ही कहीं मिलता हो आपके पास, 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का या 1 साल का ही, वो घृतपान कराने से ज़्यादा लाभ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चिकित्सा है इसमें शिरोविरेचन। शिरोविरेचन काहे से कराना, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। इसके अलावा विरेचन, प्रारंभ में पेशेंट का विरेचन करा दें, विरेचन करने के पश्चात फिर शिरोविरेचन कराएं, अर्थात नस्य कर्म कराएं, नाड़ी श्वेद उसके पहले, और पुराना घृत जैसे मैंने बताया, पुराना घृत का ही आभ्यंतर स्नेह पान करें। उसके बाद फिर वस्ती, निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती, और उपनाह, एरन पत्र से उपनाह करें। अश्वराह तर्पण के रूप में शिरोवस्ती, पिचुधारा, शिरोधारा का प्रयोग पेशेंट में करें। अग्निकर्म भी इसमें किया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह से। तो जैसा मैंने पहले बताया, विरेचन कराएं, विरेचन करने के लिए ब्राह्मी घृत या पुराने घृत का सेवन आभ्यंतर स्नेह पान के लिए करें और फिर विरेचन करा दें। एरन पत्र से उपनाह कराएं, जैसा मैंने पहले बताया, एरन पत्र में तैल लगा दें, महामास तैल या अश्वगंधा वाला तैल, और उसको फोल्ड करके अच्छी तरह गर्म करें और प्रभावित भाग में सेक करें, इसको सागनी उपनाह कहते हैं। अनुवासन वस्ती के रूप में नारायण तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं 30 ml भोजन के बाद।
निरूप हस्ती के रूप में यह अनुभूत योग है, आप लिख सकते हैं दशमूल क्वाथ 300 ml, एरन्न तैल 40 ml, मधु 40 ml, सैंधो 10 ग्राम। ये काल वस्ति क्रम से निरूह और आस्थापन वस्ति देवें। निरूह ये बताई मैंने आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दशमूल क्वाथ 200 ml, 300 ml, एरन तैल 40 ml, मधु 40 ml और सैंधो 10 ग्राम। ये काल वस्ति क्रम से निरूह अनुवासन वस्ति कम से कम 16 वस्ति जरूर देवें। काल वस्ति अनुवासन वस्ती के रूप में मैंने बताया, निर्गुंडी तेल या नारायण तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी या शतावरी घृत का निरंतर सेवन, ब्राह्मी घृत और शतावरी घृत संशमनार्थ भोजन के काल में 20 ml गर्म पानी के अनुपान के साथ रोगी को देवें। सिरोवरेचन काहे से कराना, तो सबसे पहले आप पेशेंट का पूर्व कर्म करें, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, मृदु स्वेदन, और फिर औपीड़न नस्ते में। औपीड़न के लिए जो श्रेष्ठ औषधि है माइग्रेन के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुंठी, पिपली और सैंधो, इनको 5-5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम गुड़ और लगभग 1/4 कप पानी, गर्म पानी, और इसमें यह घोल देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुंठी, पिपली, सैंधो, प्रत्येक 5-5 ग्राम, 10 ग्राम गुड़, गर्म पानी में इसको घोल लें, छान लें। छानने के बाद इसकी मात्रा 6-6 या 8-8 बूंद दोनों नासा में प्रक्षेपित करें। यह है औपीड़न नस्य। बनाने का तरीका है, एक दिन पहले आप सुंठी, पिपली, सैंधो और गुड़ को भिंगो के रख दें, प्रातःकाल गर्म पानी में घोलें और छान करके 6-6 से 8 बूंद प्रत्येक नासा में डालें। 2 दिन स्नेह नस्य करें। स्नेह नस्य के रूप में अणुतेल ज़्यादा अच्छा है, 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, 2 दिन, और प्रत्येक 3rd दिन औपीड़न। ऐसा 21 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं। अगर 11 दिन के कोर्स में ही रोगी को आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन लगातार करें। एक योग और मैं हमेशा बताता हूँ, केसर सिद्धित दुग्ध, केसर 5 ग्राम, 5 ग्राम घृत में इसको थोड़ा से फ्राई कर लें, भूज लें, और 5 ही ग्राम शक्कर डाल करके बारीक पीस लें और एक शीशी में रख लें। 1 डोज़ 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम निकाल के 2 चम्मच गोदुग्ध लेकर के उसमें घोल दें सुकोष्ण, और घोलने के बाद इस जो दुग्ध में आपने केसर डाला है उससे नस्य कराएं। मात्रा इसकी 4 से 6 बूंद, 4-4 बूंद या 6-6 बूंद इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह भी बड़ा उपयोगी है और इसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा छींक नहीं आती, ब्रह्मणु चिकित्सा है, रोगी को जल्दी आराम पश्चात मिलता है। श्वास कुठार और सूत सेकर का धवापन नस्य इमीडिएट रिलीफ देता है। पेशेंट को बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है तो सूत सेकर से या श्वास कुठार से धमापन नस्य कर दीजिए। धमापन के लिए 3 मिचुटी ये औषधि ले लें और 6 अंगुल लंबी नली में इसको डाल करके और धमापित कर सकते हैं। इससे तत्काल रोगी को आराम प्राप्त होता है। सूत सेकर या श्वास कुठार रस। इसके अलावा एक गांव का योग है जो गांव में प्रयोग किया जाता है, चने की दाल करीब 20 ग्राम, 1 दिन पहले भिंगो दें, फिर 2रे दिन इसको बारीक पीस करके 20 ग्राम घृत में भूज दें और 20 ग्राम शक्कर डाल करके इसका हलवा बना लें। इसमें ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश आदि भी डाल सकते हैं। सूर्योदय के पहले इसका सेवन करें, इससे भी अर्धावभेदक माइग्रेन बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। गांव में एक और प्रचलन है, दूध और जलेबी खाने से भी एक तरीके से सब ब्राह्मण चिकित्सा है, वातनाशक चिकित्सा है, इसका प्रयोग भी लाभप्रद होता है। तो हलवा या जलेबी ये दोनों का सेवन भी गांव में लोग करते हैं, आप भी पेशेंट को बता सकते हैं। इसके अलावा एक काढ़ा है जिसको बोलते हैं पथ्या सटंग, पथ्यादि क्वाथ के नाम से फेमस है, बाजार में मिलता है। आप बनाना चाहें तो इसमें औषधि हरड़, बहेड़ा, आंवला
चिरायता, हल्दी, निम्बछाल, गिलोय, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, निम्बछाल और गिलोय सब भाग लेकर के योगर्ट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी डाल के काढ़ा बना लें 1 कप, 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम खाली पेट में इसका सेवन कराएं। ये भी तत्काल पेशेंट को राहत करता है। पथ्याधिकवाद, इसको पथ्या सडंग, क्योंकि 6 औषधियाँ इसलिए इसका नाम पथ्या सडंग है। पेशेंट को देखते रहे, विबंध न हो, विबंध होने से भी सरासून में वृद्धि होती है, इसलिए रोजाना 2.5 ग्राम की मात्रा में एरन भ्रष्ट हरित की रात को दे दें। इससे मोशन क्लियर होता जाएगा, अपान वायु का निष्कासन होता जाएगा, इसलिए सरासूल भी रोगी में नहीं होगा, तो इसका भी सेवन आप कराएं। इसके अलावा सडंग पानी का भी प्रयोग करना चाहिए। एक योग और है जो हम बहुत आयत में करते हैं, बड़ा सरल योग है ये, गोदंती 500 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 500 मिलीग्राम और शिराशूल बज्रण रस 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, गोदंती 500 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 500 मिलीग्राम, शिराशूल बज्रणी रस 250 मिलीग्राम। इसको कलाकंद के साथ पेशेंट को खिलाएं सूर्योदय के पहले, इससे भी रोगी को आराम मिलता है। और एक प्रसिद्ध योग है रस योग, जो प्रयोग हम करते हैं उसमें शिराशूल बज्रणी रस 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, शिराशूल बज्रणी रस 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। इसको शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए, ये अनुभूत ट्रीटमेंट है, आप इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर सायं 4 बजे आपके सामने उपस्थित होकर एक अन्य रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।